हरा भाई अभिनायक ये काम कर सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों मैं आप सभी को कुछ बता दूं, जो जो एल्ग्रो सर का 10 डेज का चैलेंज लिए हैं वो ये वीडियो उन्हीं सब के लिए है। प्लीज आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी मोटिवेशन होने वाला है, बिना स्किप किए हुए देखिए। और दोस्तों काफी छोटे छोटे क्रिएटर हैं जो काफी डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, उनमें से मैं भी डिमोटिवेट हो गया हूँ, क्योंकि मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा है। और हमारा किस्मत कहाँ वैसा है जो पहले ही वीडियो से सफलता मिल जाए, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है दोस्तों। और हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लड़के को बस यही स्ट्रगल है और यही लाइफ है, और इसी स्ट्रगल को फेस करके अपने लाइफ में मुकाम हासिल करना है। और इसके लिए चाहिए तो बस आप सभी का साथ और प्यार। किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए जनाब, वरना भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। खैर कोई बात नहीं, आज भी मेहनत करना और कल भी मेहनत करना है। और मेरे जैसा छोटे छोटे बहुत से क्रिएटर होंगे, मैं उनसे कुछ कहना चाहूंगा कि जो जो 10 डेज का चैलेंज लिए हैं, प्लीज आप लोग डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे हैं तो आप लोग टेंशन में होंगे और डीमोटिवेट हो जाएंगे। बस इसी बात को ध्यान रखना है और अपना मेन फोकस वीडियो और कंटेंट पे देना है। और उस चैलेंज का तीसरा दिन है तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि किसका वीडियो वायरल होगा और किसका वीडियो वायरल नहीं होगा। बस आप लोग मेन फोकस अपना बेस्ट देने में रहें। रुको जरा, सबर करो। और हमें ये सोचना है कि अभी भी हमारे पास 7 दिन बाकी है उस 10 डेज चैलेंज का। और थारा भाई अभिनायक ये काम कर सकता है तो अभी कर सकते हो। हमें मेहनत करना है और ऐसा मेहनत करना है कि वीडियो देखने वाले भी मजबूर हो जाए, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, कमेंट करने में, थोड़े फोड़े मचूड़े लेकिन जो भी करे वो करके जाए, ऐसा अट्रैक्टिव बनाना है वीडियो। और गाइज आप सभी को इस वीडियो से मोटिवेशन मिला होगा तो प्लीज लाइक करके प्यार बरसाते रहें, और कमेंट करके अपने भाई को मोटिवेट करें, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करके अपने भाई को फुल सपोर्ट करें। तो आज का इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार के साथ। तब तक के लिए बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। बाय बाय एंड टेक केयर।